हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 2023-24 का त्रैमासिक परीक्षा की बात करने वाला हूं। हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा विकल्प बता दिया था, जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरा 28 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया है इसका आंसर भी। तो अब नेक्स्ट है अपना पूरा क्वेश्चन देखने वाले थे, तो देख लीजिए लेखा शास्त्र का है सेकंड पार्ट है आपका। तो जो जो क्वेश्चन है बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी तक हमने जितने भी पेपर के वीडियो बनाए हैं वो पूरे के पूरे फंस रहे हैं बच्चों, तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है अपना। तो छठवां क्वेश्चन है साझेदारी से क्या आशय है, और अथवा में साझेदारी संलेख से आशय आपको पूरा बताना है आपको, और मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप पहले भी देख सकेंगे फर्स्ट पार्ट में मैं इसका पूरा आंसर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ पूरे विकल्प का, तो इस बार मैं पूरा कराने वाला हूँ। तो देख लीजिए साझेदारी संलेख से आशय आपको बताना है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सातवां है लाभ की गारंटी से आशय है आपका, ये भी बहुत बार आता, तो बच्चों इसको बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा, आपका आगे आने वाले परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको तैयारी करे रहिएगा। नेक्स्ट है लाभ हानि विनियोग खाते से आशय आपको इसमें बताना है, और फिर अगला है अपना आठवां है ए बी और सी के 4:3:1 के अनुपात में एक फार्म साझेदार है, भविष्य में उन्होंने अपना लाभ अनुपात 5:4:3 रखने का निर्णय लिया, प्राप्ति अनुपात एवं त्याग अनुपात ज्ञात करना है आपको पूरा, तो इसका पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट में भी यही दिया है एक्स वाई जेड के 3:2:1 के अनुपात में एक फार्म में साझेदार हैं, भविष्य में उन्होंने अपना लाभ अनुपात 4:3:1 रखने का निर्णय लिया, प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात को आपको पूरा बताना है, दोनों क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन है नए साझेदार के 2 अधिकार आपको इसमें बताने हैं आपको, और अथवा पूछा है नए साझेदार का वैधानिक स्थिति भी आपको पूरा दर्शाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है औसत लाभ से क्या आशय है, अथवा पूछा है अधिलाभ से क्या आशय है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है अपना 11वां एक साझेदार के फार्म से निवृत्त 2 कारण इसमें आपको बताने हैं, मैं इसका आंसर भी आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना। नीचे आप जैसे इस पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो लास्ट में आपको पूरा इसका आंसर PDF मैं दिखा दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ भी आपको इसका पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। और अथवा है वार्षिकी से आशय आपको पूरा दर्शाना है, और 12वां मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकार से आशय, और अथवा है संयुक्त जीवन पॉलिसी से क्या आशय है। और नेक्स्ट है अपना 13वां क्वेश्चन फार्म का समझौते द्वारा समापन से क्या आशय है, और नेक्स्ट है अथवा पूछा साझेदारी फार्म का सूचना द्वारा विघटन से आशय बताना है आपको, और 14वां है फार्म के विघटन पर चिट्ठे से वसूली खाते में किन खातों को आंतरित नहीं किया जाता है, और अथवा पूछा है फार्म के अनिवार्य विघटन से आपको आशय बताना है, 15वां है वसूली खाते से क्या आशय है, और अथवा पूछा है साझेदारी के विघटन से आशय आपको बताना है इसमें पूरा। और नेक्स्ट है अपना 16वां क्वेश्चन त्रिपाठी और चौहान एक फार्म में साझेदार हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और हानि लाभ और हानि को 3:2 के अनुपात में साझा करते हैं, 1 जनवरी 2020 को उनकी पूंजी 60,000 और 40,000 रुपये थी, वर्ष के दौरान फार्म में 30,000 का लाभ हुआ, और साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में 10,000 प्रति माह पाने के हकदार हैं, और उनकी पूंजी पर 5% ब्याज लगाया जाता है, नियमित अवधि का पालन किए बिना उनके अपहरण पर 5% का ब्याज भी लिया जाएगा, वर्ष में उन्होंने क्रमशः 12,000 और 8,000 रुपये आहरित किए, लाभ एवं हानि विनियोजित खाता तैयार करना है आपको। और अथवा पूछा है परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी में अंतर, तो बच्चों आपको जो भी इजी लगे तो उसको कर लीजिएगा, आपको इसका नहीं बनता तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और अगला है अपना 17वां है अरुण और वरुण साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 8,000 और 4,000 है, वे तरुण को इस शर्त पर साझेदार बनाते हैं कि वो अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम 1,500 और रुपये और अपने हिस्से की यथेष्ट पूंजी नगद देगा, जो समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी की 1:3 है,
तरुण की पूंजी ज्ञात करना है आपको, और अर्थमम पूछा है ख्याति की विशेषताएं लिखना है, तीन विशेषताएं लिखना है। तो बच्चों आपको अगर ए बनता है तो इसको लिख दीजिए, अगर ए वाला बनता है तो ए। मेरे हिसाब से तीन ख्याति आपको ईजी पड़ेगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 18वां है, दिनेश महेश और सुरेश 7:5:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। दिनेश व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है और फार्म की कुल ख्याति 28,000 आंकी गई है। ख्याति के समायोजन के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्ट करना है आपको। और अतः में पूछा है एक्स वाई जेड एक फार्म में 5:3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। 1 जनवरी 2022 को एक्स की मृत्यु हो गई और वाई जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात समान है। एक्स की मृत्यु के समय फार्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये पर किया गया। ख्याति खाता खोले बिना ख्याति व्यवहार के लिए आवश्यक जनरल पृष्ठियाँ लिखना है आपको। तो आपको जो इजी लगे उसको आपको जरूर करना है। और नेक्स्ट है अपना 19वां क्वेश्चन, फार्म के आकस्मिक समापन की 3 दशाएँ आपको समझाना है। और अर्थमम पूछा है न्यायालय एक फार्म के समापन का आदेश 3 दशाओं को दे सकता है, आपको 3 दशाएँ आपको बताना है। और नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, एक्स वाई के एक फार्म साझेदार 21 मार्च 2018 को समापन होने वाले वर्ष उन्होंने 1,60,000 लाभ अर्जित किया। साझेदारी समझौते के अनुसार फार्म लाभ का विभाजन अन्य व्यवस्थाएं निम्नानुसार है। तो आपको इनका पूरा जो जो है तो उसको पूरा आपको डिटेल से बताना है। और 5-4 नंबर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है अपना पूछा अथवा में, तो ए और बी एक फार्म के साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 5 लाख रुपए और 8 लाख है रुपए हैं। इनके भी साझेदारी के समझौता नहीं हुआ। 21 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,80,000 का लाभ हुआ दोनों को। तो बी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज हेतु दावा करता है जबकि ए के पक्ष में नहीं है। लाभ हानि विवरण देकर आपको पूरा इसको साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन करना है। तो आपको जो भी ईजी लगे आप उसको कर लीजिए। और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको अगर नहीं बनता है आपसे तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए क्योंकि इससे बाहर का नहीं आने वाला है। आपने अभी जितने भी पेपर बताए हैं उसका पूरा आया है, देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन है, तो 21वां क्वेश्चन क्या पूछता है, 21 जनवरी 2023 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है आपको। 5 वर्षों के लाभ हानि पूरा बताना है आपको। और अथवा पूछा है अंकित व राहुल एक फार्म में साझेदार हैं जो क्रमशः 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं, उनका स्थिति इस तरह है। तो आपको उसका पूरा डिटेल से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा तब जाके इसका आपको मिलेगा। और नेक्स्ट पूछा 22वां क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, निवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियाँ आपको पूरा लिखना है। और आपसे अगर ये नहीं बनता तो आप इसको पूरा डिटेल से लिख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन है रवि सोम और मंगल 3:2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, उनका चिट्ठा 21 दिसंबर 2022 को निम्नांकित है। तो देख लीजिए इसका ये पूरा निम्नांकित। और क्वेश्चन 23 भी देख लीजिए, आ और बा एक फार्म के बराबर साझेदार है, उन्होंने फार्म के विघटन का निर्णय लिया है, उस दिन फार्म का चिट्ठा अनुसार था। ये पूरा डिटेल है अपना। और अथवा पूछा साझेदारी विघटन और फार्म के विघटन में अंतर लिखना है। तो बच्चों आपको यही बताऊं कि अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो आप यही सोचें कि इसी तरह के क्वेश्चन हम तैयार करके जाएं और वार्षिक में ज़्यादा अंक गणित में ना फंसे, ज़्यादा हम थ्योरी करने की कोशिश करें अगर आपको अच्छे में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन बताया गया उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और इसका आंसर मैं आगे बताने वाला हूँ, देख लीजिए अपना इंटरेस्ट है अब पूरा आंसर का PDF। हाँ तो बच्चों जैसे ही हमने बताया था कि लास्ट में मैं पूरा आंसर आपको बता दूंगा, तो देख लीजिए जो जो मिले हैं तो मैं उसका पूरा आंसर आपको इस PDF में दिखा रहा हूँ। और देख लीजिए आंसर मैंने पहले ही वीडियो में इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिए। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो देख लीजिए एक क्वेश्चन का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट है ए साझेदार लाभ की गारंटी वाला क्या आंसर है आपको। और नेक्स्ट है अपना फार्म के भविष्य का भाग लेने का अधिकार एवं फार्म की संपत्तियों का अधिकार वाले का आंसर है। और नेक्स्ट है ख्याति मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ देख लीजिए, औसतन लाभ विधि और इसके उदाहरण ये हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
तो देख लीजिए फटाफट, ये है अपना। और साझेदारी निवृत्ति के निम्नलिखित कारण के आंसर देख लीजिए, तो क्षमा चाहूँगा फोन आ गया था। नेक्स्ट है अपना साझेदारी निवृत्ति के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और संयुक्त बीमा पॉलिसी क्या है, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर नेक्स्ट है अपना ए, इसका भी ले सकते हैं। और ए है अपना सूचना द्वारा विघटन का ये पूरा आंसर है अपना। और नेक्स्ट है वसूली खाता किसे कहते हैं, तो ए अपना पूरा है और पूरा स्टेटमेंट है वसूली खाता का ए पूरा, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं तक था, और मैं इसका पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह पूरा आपके क्लास का पूरा टोटली पेपर बना रहे हैं और इससे बाहर का नहीं आता। बच्चों आप इसको पढ़ के जाइएगा, आपका पेपर अच्छा होगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।